वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ, ये है वन बाइट्स खुला है। तो मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से मेरी बेटी और अनु लेकर के गए थे पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा था और अच्छा रेट में भी था। तो वहीं पे हम आ गए हैं फिर से, क्योंकि मोमो खाने का मन था, फ्राइड मोमो, तो वही यहीं पर मिलता है और इंतज़ार कर रहे थे। ये है मेन्यू लिस्ट, तो मेन्यू में देखा जा रहा था कि क्या है क्या नहीं है, कैसा कैसा मोमोज़ है, तो वो देखने के लिए। और मेरी बेटी काउंटर पे कुछ बातचीत कर रही थी, यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा गया, क्या क्या करते हैं मालूम नहीं, फ़ोन नंबर से क्या लेना देना आई डोंट नो। और ये देखिए मैं ले रही थी वीडियो, और छोटा सा जगह में बहुत अच्छा बना दिया है, छोटा सा जगह मतलब कि लगभग चार टेबल बनाया हुआ है, उस पर चार चार चेयर, उसके बाद साइड में दे दिया है सोफ़ा, जो अच्छा लग रहा था, कम जगह में ही बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। और ये देखिए मैं रोड के बाहर देख रही थी, फिर अनु अपने मोबाइल में बिज़ी थी, फिर हम अपने मेरी बेटी मेन्यू देखने में बिज़ी थी, इसी तरह से हम बिज़ी थे और वहाँ पे एंजॉय किए, मज़े किए, हम चारों ने मज़ा किया और वीडियो वगैरह भी बना। ये देखिए मॉर्निंग। सुबह हो गया, वो रात का था, और ये सुबह मैं भुजिया बना रही हूँ, रोटी बना चुकी हूँ, इनका ए शिफ्ट है तो ए शिफ्ट के लिए उनका तैयारी कर रही हूँ, रोटी बना चुकी हूँ, रोटी में लगाऊंगी घी, क्योंकि रोटी नरम पड़ जा नरम रहेगा दोपहर तक, दोपहर क्या 9 बजे तक खा लेते हैं, 10 बजे तक खाना खा लेते हो तो नरम ही रहता है, अच्छा रहता है रोटी, ऐसे पराठा ज़्यादा तेल वगैरह वाला चीज़ मैं नहीं देती हूँ इनको, या फिर हम लोग भी ज़्यादा नहीं खाते हैं तो रोटी ज़्यादा बेहतर है, तो रोटी में घी लगा दी, क्योंकि डालडा या फिर रिफाइंड लगाने से अच्छा है घी, घी किसी भी तरह से ख़राबी नहीं करेगा। और ये देखिए उनका लंच बॉक्स हो रहा है रेडी। इनको ड्यूटी भेज चुकी हूँ, ये ड्यूटी चले गए, उसके बाद से मैं लग गई अपने किचन के क्लीनिंग में, और बर्तन वगैरह भी था जमा हो गया था, उनको चाय दी थी, और थोड़ा बहुत होते होते जमा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ काम करने से बर्तन खाली हो जाता है, तो रात का भी कुछ कुछ था उसको खाली की, सब्ज़ी वगैरह गर्म करके रखी, और बर्तन वगैरह भी सीधे धोते ही चाहूँगी ताकि खाली हो जाए काउंटर, ये सब करने में मुझे लग गई प्यास, तो चलो भाई पहले पानी पी लेती हूँ। और अभी तक मैं फ्रिज का पानी मिला करके पी रही हूँ, क्योंकि शांति मुझे नहीं मिलता जब तक ठंडा पानी ना पियो। और ये देखिए इनको जाने के बाद से ये सुबह का व्यू दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरी सासू माँ निकल चुकी हैं, लगभग 5:30 हो रही है, 5:30 के करीब गए हैं, और 5:30 में मेरी बगल वाली आंटी के यहाँ झाड़ू वगैरह लग रहा है, उनकी पोती खड़ी थी और छोटी वाली बहू झाड़ू लगा रही थी, और मेरी सासू माँ को तो देखा ही आप लोगों ने, उनका तो शुरू हो जाता है सुबह से ही। रितु 6 बज गए, उठो।
नहीं जाने स्कूल, 10 मिनट बाद, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। उठो लेट हो जाएगा। और यहाँ आकर के थक करके सो गई हैं, लगभग 4-5 बार घूम ली हैं तो थक गई हैं। और यहाँ जा रही है मेरी बेटी स्कूल, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया, लगभग 7:30 हो गया था, तो 7:30 के करीब में हो जाती है, क्योंकि चल चल के जाती है और गाड़ी से जाना रहता है, तो 7:30 में निकलती है, ऐसे 7:10 में वो निकल जाती है, वो चली गई स्कूल। बेटी स्कूल जा चुकी है और यहाँ पे देखिए सासू माँ नाश्ता कर रही हैं, और लगभग 1 घंटे से तंग की है, 7 बज रहा है, 7:30 तक, 7:10 तक मेरी बेटी जाती है, सुबह 6 बजे से मुझे तंग करके रखी है, मतलब 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे से उठ जाती है, धीरे धीरे काम कर रही थी। गेट के बाहर जाने नहीं दे रही हूँ, इसीलिए गाली मिल रहा है मुझे, और मैं जा रही हूँ सोने, फिर से चोरी कराएंगी, क्योंकि टाइम वही हो रहा है, इसी वक्त में चोरी होता है, 7 से 7:30 या फिर 8 बजे के करीब में, इसलिए बंद रख के सोऊंगी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठी थी, उसके बाद ना सोचता उनको भेजी, फिर बेटी गई और मेरी क्लीनिंग भी, इसलिए मैं सोऊंगी। बेटी को आज लाने जाना है स्कूल, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सीजन ख़राब होने की वजह से हो गया है, तो उसको लाने जाऊंगी 9 बजे के करीब में। थोड़ा आराम करने के बाद मैं फिर स्कूल के लिए निकल चुकी, क्योंकि टाइम हो चुका था, 9 बजे के करीब में बुलाई थी, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो गई, रास्ता में जा रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और इसका वीडियो एक अलग से आप लोग को ले गया है, तो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।